अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और आप कौन हैं? सारा, ये सबा की बड़ी बहन है। वो साहिर भाई की बेटी जो बेवा हो गई थी ना, और वो जिसका एक बेटा भी है ना। लेकिन ये गुड़िये से बेवा तो नहीं लग रही। लगता है कि या तो किसी फंक्शन पे जा रही है या कहीं से आई है। अरे नहीं समझना, अभी तुम भी क्या जासूसी करने बैठ गई हो। अभी चलो खाना लग गया, खाना खाते हैं, बाकी बाद में तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, जाओ बेटा तुम खाना लगाओ और तुम जाके इसकी मदद करो। शाबाश जी। जना पीना, आप क्या जासूसी मैंने क्या कर दी? इतने सालों के बाद आई हूँ, बच्चियाँ नहीं देखी थी बस। तुम भी नहीं बदली, वैसी की वैसे ही। एक तो दाई जान का मिजाज मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही बदमिजाज है। वो तो है। अब देखो ना, उन्होंने मुझे भी मासी समझ लिया। फायदा भी तुम्हें किसने कहा था कि इतना ड्रेसअप होकर उनके सामने चली जाओ? मैं कौन सा कोई इतना तैयार हुई थी, बस हल्की फुल्की हो गई थी। सिर्फ इसलिए कि दादी जान ने अगर मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया तो प्रेजेंटेबल तो लगना चाहिए ना। अली से बस बड़ी ना लगूं, सिर्फ इसलिए। मेरी प्यारी बहन, ताई जान को ये बात अच्छे से मालूम है कि तुम उम्र में अली से बड़ी हो। शाइस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। वैसे आप ही मुझे बहुत डर लग रहा है। ताई जान का रवैया अम्मी अब्बू के नाते हमसे बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब देखो ना, इतने अरसे बाद मिली और ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिश्ता कोई नाता ही नहीं। उन्होंने तो तुम्हें बगैर देखे ही रिजेक्ट कर दिया। जब वो हमें भतीजी कबूल नहीं कर रही तो बहू क्या करेंगी? कैसे नहीं करेंगी? मेरा नाम भी सारा है, करवा कर ही दम लूंगी। इस सवाल पर काबू रखो, ताई जान भी कुछ कम नहीं लग रही। बस दुआ करो कि यहाँ से चली जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाली हैं। एनीवेज तुम खाना देखो, मैं जरा अली को देखती हूँ, पता नहीं किधर है। अली, तुमने देखा अपनी अम्मी को? उन्होंने मुझे तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, ऊपर से मेरी ही अम्मी की तरबियत पे बातें बनाने लगी, और तो और सारा को भी मासी बोल दिया। प्लीज यार, आप उसकी बात छोड़े, आप प्यारे लग रही हैं, ये काफी है। मगर उन्होंने तो मेरे सलीके पे भी एतराज कर दिया। मैंने आपको मना भी किया था, आपको इस तरह ही अचानक उनके सामने अभी नहीं आना चाहिए था ना। मम्मी बहुत परेशानी की हालत में पाकिस्तान आई है, अगर इस वक्त उन्हें आपके बारे में बता दिया तो हम उनकी परेशानी में इजाफा होगा। हाँ, मगर कब तक नहीं बताना, कब तक छुपा सकते हैं हम? आई नो ये छुपाने की बात नहीं है, मैं एक दो दिन में बता दूंगा, उन्हें सांस तो लेने दें। हाँ, जब तक मेरी सांस बंद हो जाएगी। प्लीज अली, उन्हें बता दो, ये बहुत जरूरी है। सब्र से काम लें प्लीज। मैं डैड से बात करता हूँ, बल्कि नहीं, पहले दादू डैड से बात करेंगी। दादी जान, उनको भी देखा है, ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे हमसे कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ हूँ करके तो उन्होंने बात टाल दिए। मुझे तो डर है कहीं उमेर ने बात कर दी तो। नहीं नहीं उमेर भाई, खामखा हमारे मैटर की वजह से खुद को उलझन में नहीं डालेंगे, वो नहीं बताएंगे। अच्छा, आप ऐसे करें ना, जाकर मम्मी के लिए खाना लगाएं, ट्राई टू इंप्रेस हर, ताकि उनके दिल में आपके लिए जगह बने। और अगर नहीं जगह बनी तो? मेरे दिल में तो है ना आपकी जगह। प्लीज तुम अगर यूं ही रिएक्ट करते रहे ना तो माँ को शक हो जाएगा तुम्हारे, और मामला बिगड़ जाएगा। तो हमने कुछ चोरी तो नहीं की ना, और अगर ये चोरी है तो आप इसमें हमारे साथ शरीक हैं, तो फिर आप मम्मी को बताएं ना, ताकि हंगामा खड़ा हो जाए। बेटा मैं तुम्हें बता रही हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं सुबह से बात कर लूंगी। मैं और सारा मियां बीवी हैं, और हम इसी घर में रहते हैं, हम कब तक और कैसे मम्मी से ये रिश्ता छुपा सकते हैं? ये छुपाने वाली बात नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारी मम्मी का डर है, लेकिन सुबेर मेरा बेटा है, उसे तो मुझे एतमाद में लेने दो, वो तो मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन ये समीना, इसको तो अगर मैं कहती हूँ तो ये तो आग बगुला हो जाती है। सारा को कौन समझाए,
मम्मी जब से आई है उस पर तंज के तीर बरसा रही है, वो बेचारी आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी? बेटा उसमें बर्दाश्त का मादा है ही कहाँ। और देखो हमें मामले को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। देखो बेटा अचानक इंकशाफ ना समीना को नाराज कर देगा, तुम सारा से कहो कि उसका दिल जीतने की कोशिश करे। तो आप चाचू और चाचान के बारे में भी तो सोचें, जब मम्मी और डैड को सब कुछ पता चलेगा तो वो यही समझेंगे कि चाचू और चाचान ने भी उनसे सब कुछ छुपाया। देखो बेटा तुम परेशान हो, मैं सब संभाल लूंगी। मैंने तुमसे बताया ना, बस तुम एक काम करो कि सारा को समझा के रखो, कल मौका मिलते ही ना मैं तुम्हारे डैडी से बात कर लूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज आप कल डैड को सब कुछ बता दीजिएगा, वरना फिर मैं खुद बता दूंगा। समीना तुम्हें अपना बेडरूम पसंद आया? अम्मा ने खास तौर पे तुम्हारी पसंद का डेकोरेट करवाया है। बहुत पसंद आया, इनफैक्ट अम्मा ने तो पूरा घर बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अली का बेडरूम कहाँ है? इस तरफ कोने में। ये इस वक्त अली के बेडरूम में क्या कर रही है? जी वो सनी की अली से बहुत दोस्ती है ना, तो वो रात को उसी के पास होता है। ठीक है अब उसको उठाओ, अली ने भी तो रेस्ट करना है ना रात को। असल में ना अली को सनी बहुत पसंद है, वो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है इसीलिए। दैट्स ओके, लेकिन अली के रेस्ट का टाइम है, इट्स नाइट। जी मैं उसी को ही लेने गई थी, आ रहा है वो। आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली ना मैं रात को ऑयल का मसाज करवाती थी, उमेर की बीवी जिंदा थी तो वो कर दिया करती थी। अब उसके जाने के बाद तो यू नो अब वो मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, मेरा मतलब है आपकी बेटी की तरह हूँ, मैं कर देती हूँ मसाज। ओके कमरे में चल। चले चले मैं आपको छोड़ के आप चले, मैं आती हूँ। या अल्लाह मेरी तो इनसे नहीं बनने वाली, अब मैं क्या करूं? सलमा अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ोगी? सलमा जी क्या हो गया भाई, किन सोचों में गुम हो? नहीं बस वो ऐसी सोच रही थी, समीना भाभी ने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया होगा। अब तो जो होना है सो हो, क्या कर सकते हैं हम, मुश्किल में फंस गए और कोई हल भी तो नहीं है ना हमारे पास। आप जुबैर भाई से बात करें और उन्हें सारे हालात बताएं कि किन हालात में सारा और अली की शादी हुई है। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों जब से जुबैर भाई आए हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उनके सामने जाने की, खुद को चोर सा महसूस कर रहा हूँ मैं। इसी दिन के लिए रोती थी मैं, अब मुसीबत सर पर आन पड़ी है तो पता चला के कितनी बड़ी भूल कर बैठे हम लोग। लेकिन अम्मी और अली को तो इस सिचुएशन का सामना करना चाहिए ना। हम लोग इस इल्जाम से बरी भी तो नहीं हो सकते, सारा के माँ बाप हैं हम, इस सारा में तो इतना अकल और शऊर है ही नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमाज पढ़ते हैं। ये मजे का है ना? बहुत मजे का है, ऐसा ब्रेड तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये ब्रेड नहीं है पराठा है। क्या है? परोठा। ये परोठा नहीं पराठा है। अच्छा जी आपके लिए परोठा ही सही,
अच्छा अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर मैं आपको खुद स्कूल लेकर जाऊंगी एडमिशन के लिए, ठीक है? गुड गर्ल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो साबा बेटी? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? अलीशा से तुमने इतनी पक्की दोस्ती कर ली है, उसका इतना ख्याल क्यों रखती हो? अलीशा है ही बहुत प्यारी बच्ची, और वैसे भी मुझे अलीशा के साथ पकुसाना बहुत अच्छा लगता है, और सनी के साथ भी। कमाल है, तुम्हारी उम्र की लड़कियां जो हैं, उनके तो बहुत मसरूफियात होती हैं। भाई दोस्त पार्टीज हल्ला गुल्ला सब कुछ नहीं। आप तो अम्मी अब्बू को अच्छी तरह जानते हैं, और वैसे भी उन्होंने हम दोनों बहनों की तबीयत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो है भाई, ना जहीर भाई और ना ही सलमा खान, दोनों ऐसे नहीं है। मैं आपके लिए कुछ बना दूं? हाँ भाई, मेरे लिए तो बड़ा टिपिकल सा देसी नाश्ता बना के दो, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। और नाश्ते के बाद मैं जहीर भाई के घर जाऊंगा, बल्कि तुम भी चलो मेरे साथ। जी ठीक है, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अलीशा आप नाश्ता करो, मैं अभी आती हूँ। और मैं जब तक अलीशा के साथ शेयर कर लेता हूँ। अलीशा, सबा आंटी कैसी लगी? बहुत अच्छी दादा। गुड, वेरी गुड, चलो अब ये खाते। नाइस। सारा, न्यू शर्ट प्रेस करने मुझे जाना है। सारा, तुम अली के बेडरूम से, यानी कि रात को? मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप गलत सोच रही हैं। जो मैं देख रही हूँ वो तो ये लिया देख के और क्या समझूं मैं? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई जब मैं सनी को लेने आई थी, वो रात को अली के बेडरूम में सो गया था ना, ये तुम दोनों ने देखे अपने हुलिये? ये शर्म और हया नाम की भी कोई चीज होती है। और अली, तुम्हें तो अमेरिकन माशरे से इसलिए नफरत थी ना कि वहाँ बेशर्मी और बेहयाई है, तो ये सब क्या है? मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप समझ नहीं। क्या बात है, ठहर लो, हुआ क्या, क्या बात है? देखिए अली के बेडरूम से अम्मी जान। देखा आपने दादी जान, भाई जान उस पर बेशर्मी और बेहयाई का इल्जाम लगा रही है। अम्मी जान, ये इस हुलिये में देखे अली के बेडरूम से बाहर आई है, तो नेचुरली सोच समझ कर बात करो। अरे सारा तो मेरे साथ मेरे कमरे में सोती, रात को भी मेरे साथ थी, और सनी तो अली के पास सोने गया था। आप। अली तुम चुप। सारा आई एम सो सॉरी। देखो मुझे नहीं मालूम था, इनफैक्ट अब यू शुड अंडरस्टैंड कि जवान बेटों की अम्मियां कितनी चौकन्नी रहती हैं। आई मीन नो बैड इंटेंशंस रियली। सारा बेटा माफ कर दो, बड़ी है ना, गलत फहमी हो गई, माफी मांगूंगी। इट्स ओके, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मेरे पर बोझ है, आई एम फीलिंग गिल्टी। इट्स ओके भाई जान, चल आओ तुम, आओ अंदर आओ। समीना, वैसे तुम्हें भी चलना चाहिए जहीर की तरफ मेरे साथ। जुबी, उन्हें खुद आना चाहिए, हम इतनी परेशानी में आए हैं, मतलब उन्हें हमारा दुख शेयर करना चाहिए ना। क्या बात कर रही हो तुम, उन्होंने तो पहले ही हमारे दुखों को अपना बना दिया यार। जानती हो अम्मी बता रही थी कि अस्पताल में उमैर के पलंग से लग के बैठा रहे जहीर सारा वक्त, और सलमा भाभी ने तो सजदे से सर ही नहीं उठाया, और वो दोनों बच्चियां उन्होंने तो खिदमत की मिसाल कायम कर दी है। और कैसे होते हैं शेर? फ्रेंकली स्पीकिंग,
सलमा भाभी इसके अलावा और कर भी क्या सकती हैं? और रही उनकी बेटियां, आई टेल यू कुछ अजीबो गरीब ही लड़कियां हैं। वो जो है ना बड़ी, वो तो मुझे बड़ी अजीब लगती है, और छोटी वो तो हमेशा की मासी ही लगती है। प्लीज समीर, किसी की सादगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो दोनों लड़कियां बिल्कुल वैसी हैं जैसे यहाँ की मशक की लड़कियां होती हैं। ओके, सबा के लिए तो मैं एग्री करती हूँ, बट जो उसकी है ना बड़ी बेटी सारा, वो तो अमेरिकन लड़कियों से भी दो हाथ आगे है। शी सो क्लेवर कनिंग टाइप है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक हर। हेवन्स सेक यार, क्या बोल रही हो तुम? अच्छा चलो बेबी, लेट्स स्टॉप डिस्कसिंग देम। अच्छा ये बताओ कि वापसी का क्या इरादा है? आई डोंट नो, दोनों लड़के तो वापस नहीं जाना चाह रहे। वैसे मेरा ख्याल है कि हमें भी नहीं जाना चाहिए। आप यू नो, इतने साल वहां रह के, सारी उम्र गुजार के, अभी भी हम पराए के पराई हैं। यहाँ कम से कम दूसरों के साथ दिल की भड़ास तो निकाल लेते हैं ना। बस तो फिर ठीक है, तुम दोनों लड़कों के लिए रिश्ता देखो और उनके घर बसाओ। अली की नेचर तो तुम जानती, उसके लिए तो कोई मशकी सलीका श्वार किस्म की लड़की होनी चाहिए जैसे सबा। सबा, अरे बेटी ये चाय तुम क्यों ले आई? आंटी को तलब हो रही थी तो मैंने सोचा शायद आपके लिए भी ले आऊं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सबा, मैं भी जहीर की तरफ जाऊंगा, तुम भी चलो साथ। जी हाँ, चले जाओ ना। देखो जूबी, अब तुमने इरादा कर लिया है तो जरा सोच समझ के। डोंट वरी, तुम्हें पता है सबा अली के लिए आइडियल लड़की बनेगी। अग्री करती हूँ तुम्हारे साथ। एक्चुअली मैं भी अमेरिका में घर का काम कर कर के बिल्कुल थक गई हूँ। इस तरह तो एक बहू के पैकेज में साथ मासी भी मिलेगी। फॉर गॉड्स सेक जमीना, चाय पियो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि एहतियात से काम लेना, मगर तुम तो ना। और कितना एहतियात से काम लो, आप ही के सामने था सब कुछ। ताईजान की बातें सुनिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर उन्हें बता दिया ना शादी का, घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि समीना तुम दोनों से इस तरह से बिहेव करेगी। पता नहीं किस मिजाज की लड़की है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले तो मैंने सोचा कि जुबैर को सब बता दूं, मगर फिर मुझे तो कुछ समीना से डर लगने लगा है। मैं कहती हूँ अगर मैं बता दूं तो कोई कयामत न बरपा हो जाए, और अगर छुपाती हूँ तो कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए, जैसे कि आज सुबह पैदा हो गई। सुबह की तो बात रहने ही दे, इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे, अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। उन्होंने तो मेरे कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया। बस समीना, ये क्या बात है, आप लोग मुझे डिस्कस कर रहे थे क्या? अरे नहीं, ये पूछ रही थी कि तुमको क्या चीज पसंद है ताकि पका के खिलाए तुम्हें। जी ताईजान, आप मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। सारा मैं कोई यहाँ मेहमान तो हूँ नहीं, मुझे कुछ खास चाहिए होगा तो आई विल मैनेज। आई एम अ वेरी गुड कुक बाय द वे। तुम जुबैर के साथ सलमा और जहीर से मिलने नहीं गई? नहीं अम्मी जान, वैसे मैंने जुबैर को कह दिया था कि आते हुए जहीर भाई और सलमा भाभी को लेते आए। सारा, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर चले जाना चाहिए। अब एवरीथिंग इज ओके हियर और मैं भी आ गई हूँ। जी ताई जान, मैं जरा सनी को देख लूँ। सनी, समीना, जहीर की बेटियों के साथ तुम्हारा सलूक कुछ पराया पराया सा नहीं है? आई नो अम्मी जान, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लड़कियां बड़ी स्ट्रेंज सी नहीं है? सलमा भाभी ने बहुत अजीब तरबियत की है इनकी। आई मीन
अजीब सी ना बोलाई बोलाई सी बदहवास सी होती। I really can't understand them। अरे भाई ऐसी ही लड़कियां घरों को संभालती हैं। मेरा मशवरा है तुम्हें कि अगर तुम अपने बेटों के लिए बहू ढूंढो ना तो जहीर की बेटियों को जरूर दिमाग में रखना। You're right। सुबैर भी ऐसे ही कह रहे थे। इनफैक्ट अम्मी जान उन्होंने तो अली के लिए सबा को पसंद भी कर लिया है। अब ये काम आपको करना पड़ेगा। जहीर भाई से आपको बात करना होगी। मेरी इतनी अनपैकिंग रहती है। लेट मी गो एंड डू इट। अली के लिए सबा को पसंद कर लिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ जुबैर भाई के आप लोगों के आने से पहले अम्मी जान ने वो घर खरीद लिया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों सही, ये भी तो मेरा ही घर है। अरे हाँ बिल्कुल, ये घर भी आपका ही है लेकिन आपके मायार का तो नहीं है ना। अरे कैसी बातें कर रहे यार। ऐसी ही बात है जुबैर भाई, अगर ऐसी बात ना होती तो समीना भाभी आपके साथ ही आती। समीना का अपना ही कुछ दिमाग है, थोड़ा गरूर और तकबूर में डूबा हुआ है, पर हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। बहुत मोहब्बत करती है वो मुझसे और अपने बेटों से, लेकिन न जाने क्यों समरा के साथ समीना का सलूक कभी अच्छा ना रहा, यहां तक कि समरा इस दुनिया से चली गई। जुबैर भाई ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना, अगर घर के बुजुर्ग ही अपनी बहू का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह तो बेटे का घर तबाह हो जाएगा। बस भाभी समीना इन तमाम जज्बात से बिल्कुल आ रही। समरा दरअसल उमैर की पसंद थी, इसे पहले दिन से ही जो थी वो उसको खटकती थी, उसको नापसंद करती थी। जो समरा की खिदमत उसके अदब उसके लिहाज के बावजूद उसकी नफरत को मोहब्बत में ना बदल सकी। एनीवेज जनाब खाने का बहुत मजा है, बहुत मजे का था। थैंक यू। आई थिंक अब मैं चलता हूँ। सबा चलो। नहीं जुबैर भाई आप सबा को रहने दीजिए, मुझे घर के काम काज में तकलीफ होती है। बल्कि आप सारा को भी भेज दें, अम्मी से कहिएगा कि काफी दिन हो गए बस अब घर आ जाए तो अच्छा है। सलमा हाँ ठीक तो है ना, अब काफी दिन हो गए उसे, अब आ जाना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, सारा को तो मैं भेज ही दूंगा, लेकिन अभी सबा को मेरे साथ जाना जरूरी है क्योंकि मुझे अभी यहाँ के रास्ते नहीं पता भाई। चले बेटा। जी राया चार, मैं आपके साथ चलती हूँ, थोड़ा किचन से बैठ लूँ। ओके फाइन। समीना का रवैया कैसा था तुम दोनों के साथ? चची जान तो गुरु और तकब्बुर की दूसरी तस्वीर है, और उनका रवैया हम दोनों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था, और खास तौर पे आप ही के साथ। अम्मी आप मेरी बात माने तो आप ही को घर बुलाने, कहीं ये ना हो कि दोनों में तकरार हो जाए। क्या करूं मैं बेटा, क्या करूं मैं? सारा अली की बीवी है, अरे जबरदस्ती उसे साथ कैसे लेकर आ सकती हूँ मैं? मैंने तो कहा था, मगर ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी दादी की है ना। दादी जान को जैसे चुपसी लग गई है। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ बहुत बड़ा हंगामा होगा जिस दिन ये राज खुलेगा। अरे क्या करूं मैं बताओ मुझे, जब मैं बोली थी तो सब लोग मुझे ही अपना दुश्मन समझ रहे थे, अब पड़ गई ना मुसीबत। अम्मी आप चचा जान से बात क्यों नहीं करती, आप उन्हें बता दें। अरे बेटा
मैं या तुम्हारे अबू बताएंगे तो कसूरवार तो हम ही ठहराए जाएंगे ना। अब तुम्हारी दादी जाने और अली बस। और आप ही, उनका क्या होगा? अभी मैं आपको बता रही हूँ, अली चाचाजान के सामने ज्यादा देर मजामत नहीं करेगा, वो अपनी अम्मी के आगे हार जाएगा। हार जाएगा तो दूसरी शादी कर लेगा। सारा एक बार बेवा फिर मुतलका, इसके बाद तो उसके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा उसके। अच्छा अम्मी, आप रोई तो मत। अरे क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं, हमारी इज्जत तो दांव पे लग गई ना। ऐसी होती हैं दादियां, जैसे तुम्हारी दादी है। इतना बड़ा फैसला कर लिया और चुप साध के बैठ गई बस। अम्मी, दादी जान के चुप साधने में हम सबकी आफियत है, अगर उन्होंने जबान खोली तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा, ना कोई रिश्ता ना कोई बंधन। क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? बहन है तुम्हारी, क्यों मारे उसको तुम? ये मेरी बहन नहीं है। सनी, क्या हुआ? क्या है? इसने मुझे गाली दी है। क्यों गाली दी है सनी तुमने? क्या हो गया तुम्हें? आइंदा गाली नहीं दोगे तुम? दूंगा गाली। Shut up, सनी। अलीशा, खबरदार तुमने सनी को मारा, वरना मैं तुम्हें मारूंगी, समझी? क्या क्या तुम इसको मारोगी? तुमको किसने हक दिया इस पे हाथ उठाने का? ताई जान, आप क्या कर रही है? बच्चे आपस में लड़े थे तो मैं बीच में आई गई उनको रोकने के लिए। दादा, सनी ने मुझको गाली दी है। तुम इस कदर बदतमीज लड़के हो ना, तुम्हें किसी तमीज नहीं सिखाई? गालियां बकते हो? जानता ही जान, बस सही है, ठीक है, प्लीज ऐसे मत करें। तुमने इसको कोई तमीज तहजीब नहीं सिखाई है? इस उम्र से गालियां दे रही है? आप मेरी बात तो सुने। बस बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इस कदर बदतमीज बच्चा अलीशा के साथ नहीं रह सकता, इसको लो और अभी यहाँ से। मेरे पापा का घर है। Shut up! ये तुम्हारे पापा का नहीं, अलीशा के पापा का घर। And you get out of here. Get out. ताईजान, अब आप ज्यादती कर। अगर इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो भी गई तो बच्चे खेल ही रहे थे ना आपस में। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अली, अली इस कदर बदतमीज बच्चा है, अलीशा ऐसा बिल्कुल नहीं रह सकती। चलो अलीशा, लेट्स गो। मम्मी, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। सारा, आखिर हुआ क्या, क्या हुआ है? अलीशा ने शिकायत लगा दी सनी की ताईजान को, उन्होंने बिना कुछ सुने इसको मारना शुरू कर दिया। तो रिश्ते में इसकी दादी लगती है, अगर उन्होंने किसी बात पर इसको डांटा या मारा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहस करने की क्या जरूरत है यार? क्यों आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं? अली यार प्लीज। क्या हुआ अलीशा, क्यों रो रही? अभी समीना, क्या हो गया इसको, क्यों रो रही? अम्मी, अलीशा को इस घर में ऐसे बदतमीज बच्चों की कंपनी में कब तक रखा जाएगा जो इसका इखलाक बिगाड़े? क्या हुआ अलीशा, हाँ बोलो, इधर आओ। सनी ने मुझे मारा है। सिर्फ मारा नहीं, गाली भी दी है। अरे बेटा, सनी ऐसा बच्चा नहीं, वो गालियाँ नहीं देता है। अम्मी मैंने खुद सुनी है। बस आप सारा को कहेंगे अपने बच्चे को ले अपने घर जाए। अपने घर? हाँ अपने घर। मैं उस बच्चे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसकी माँ इस कदर चालाक लड़की है वो, कि मैं तो उसकी माँ से जरूर शिकायत करूंगी। शर्मा भाभी को मिलने दो ना, शिकायत की तो याद रखना। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? आप आती क्यों सारा के पीछे पड़ गई? क्या मसला है? व्हाट, कि तुम क्या कह रहे हो? समीना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों के बाद तुम अमेरिका से आई हो, यहाँ के लोगों से प्यार और मोहब्बत से मिलो चांद। तो क्या अम्मी मेरी दुश्मनी है सबसे? लेकिन एक बात बता दूं, जो मेरी अलीशा के साथ बुरा करेगा ना, मैंने बर्दाश्त नहीं करना। भई अलीशा का घर है ये, तो सनी का भी घर है। मम्मी प्लीज, आप क्यों बात को खामखा बढ़ा रही हैं? क्यों बात को बार बार उलझा रही हैं? क्या हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, प्लीज। मम्मी प्लीज, बच्चे हैं ना, आपस में तो लड़ते हैं। और नहीं तो क्या? मेरी बात सुन ले, अगर उस बदतमीज बच्चे को किसी ने मेरे सामने आने की इजाजत दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? अलीशा, हाँ हो गया समीना को भी।
सनी। सारा 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 यार क्यों मुझसे को उलझा रही हो तुम? क्या हो गया? मैं मसले को उलझा रही हूँ? तुम्हारी खातिर कितनी जल्द बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, देख रहे हो तुम? ताईजान से कोई एक रिश्ता है मेरा, एटलीस्ट अपने हस्बैंड की भतीजी समझ ले मुझे। अच्छा तो तुम मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे? For God sake, ताईजान, मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या? जब से आप आई हो सारा खामोश। तुम खामोश रहो, मैं क्यों खामोश रहूं? ये तुम दोनों किस लहजे में एक दूसरे से बात कर रहे हो? देखो सारा, तुम इसके चचा की बेटी हो, उम्र में से बहुत बड़ी हो, इसलिए इसकी बड़ी बहन की हैसियत है तुम्हारी। मैं तुम्हारी से इतनी बेतकल्लुफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड? सनी, अजीब माहौल है इस घर का, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अली, तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मम्मी के रवैये ने अपना फैसला सुना दिया। कैसा फैसला? यही कि सारा किसी भी हाल में मम्मी के लिए काबिल कबूल नहीं है। समझ में नहीं आता कि समीना इतनी खुदसर है कि उसे मेहमान नवाजी के आदाब भी याद नहीं है। मम्मी को हमेशा डैड के रिश्तेदारों से प्रॉब्लम ही रही है, उन्होंने कभी अपने ससुराल को दिल से कबूल ही नहीं किया। हालांकि डैड के साथ उनका रिलेशन हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर डैड से भी कोई बात करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेटा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना बिजनेस का बहाना करके कहीं और शिफ्ट हो जाओ। दादो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और फिर इसमें जहीर और सलमा का क्या कसूर है? अली बेटा तुम जज्बात से काम नहीं लेना, समझे? वरना फिर वरना 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 क्या? जो होना है बस एक बार हो जाए तो। बेटा पागल मत बनो, मैं कुछ दिनों के लिए सारा को उसके घर छोड़ के आती हूँ, जहीर से भी बात कर लूँ, जहीर मेरी बात को समझता है। सारा घर छोड़ के जा चुकी है। चली गई है? कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ चली गई है, अपने घर गई है या किसी दारुलमान गई है या कहाँ, जो कुछ नहीं। और अली तुमने उसे जाने दिया? क्या करता मैं, क्या करता बताएं? मेरे खुद सबा, सारा तुम्हें बताकर गई है कि कहाँ गई है वो? आप ही कहाँ गई वो? लो ये और मैं तुमसे सवाल करें तुम उल्टा मुझसे पूछ रही। अरे सारा पता नहीं कहाँ चली गई है, घर छोड़ के सनी को भी साथ ले गई है। आप ही फिर से चली गई? इस लड़की में तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, अब देख लेना एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। मैं क्या करूँ? दादी आप बिला वजह परेशान हो रही है, आप ही ने कहाँ जाना है और वो भी सनी को लेकर? मम्मी के पास गई होगी फोन मिलाकर पूछे। ये तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन अगर वो वहां नहीं हुई तो मैं सलमा को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो जान मुसीबत में पड़ गई ये शादी करवा के। आप समीना आंटी को बता क्यों नहीं देती? हाँ भाई हाँ, समीना तो जैसे बहुत फर्मा बरदार है मेरी, मेरी बात सुनकर कहेगी हाँ मैंने दिलो जान से कबूल किया। अरे हंगामा खड़ा कर देगी वो, और तुम देख लेना हो सकता है मजबूर होकर वो अली से उसे तलाक भी दिलवा दे। तो अब अली को आपका साथ देना चाहिए, ये शादी भी तो उसी के इसरार पर हुई थी। अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ? फोन पे अगर मैंने सलमा से और जहीर से उसका पता किया तो वो लोग हंगामा खड़ा कर देंगे। तो आप अब्बू को देखने के बहाने चली जाए वहाँ। जी ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तुम भी एक बात सुन लो, अली को अच्छी तरह समझाओ कि समीना के सामने कोई सवाल जवाब ना करे, वरना फिर समीना के सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दादी जान लेकिन मैं देखो जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना वो करो, समझ गई ना? समीना आपको पता चल गया? अभी पता नहीं चला तो ये आलम है, जब पता लगेगा तो ना जाने क्या करेंगी, मेरी जिंदगी अजाब बना देंगी वो। और वो तुम्हारी हमदर्द दादी जान वो कहाँ है? वो तो चुपसादे बैठी है और अली भी खामोश है। अब मैं क्या करूँ अम्मी आप ही बताएं। अरे मैं क्या बताऊँ कि तुम क्या करो,
जब मैं बता रही थी तो माँ उस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा दुश्मन लग रही थी। खुदा का वास्ते, अब आप तो मुझसे बदला ना लेना। पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अंजाम क्या होना है, वही होगा जो नजर आ रहा है, तलाक होगी और क्या। तलाक?